साउथ कश्मीर के अंदर दो पीएचडी स्कॉलर्स डॉक्टर मंजूर और डॉक्टर मंसूर तांत्रे, जिनकी तस्वीर आप मेरे साथ में देख रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स ड्राई फ्रूट सेलर्स बन गए। काम करने में कोई बुराई नहीं है, और काम हो या छोटा हो या बड़ा हो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या पीएचडी के बाद भी कुछ पढ़ाई के अंदर बच जाता है जिसके बेसिस पर किसी को सरकारी नौकरी मिले? पीएचडी माना जाता है सबसे हाईएस्ट डिग्री, लेकिन उसके बाद अगर दो ऐसे स्कॉलर्स सड़क पर ड्राई फ्रूट बेचने लग जाए और सियासतदानों से सवाल करते हैं तो जवाब क्या मिलता है, सुनिए। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर दो पीएचडी स्कॉलर्स शोपियां के सड़कों पर स्टॉल लगाकर सड़क पर चीजें बेच रहे, पीएचडी स्कॉलर्स। अगर मुझे पूछोगे, पहली बार मुझे फखर हुआ है अपने बच्चों पे, डिग्निटी ऑफ लेबर इसी को कहते हैं। चोरी करना शर्मंदगी की बात है, ड्रग्स करना शर्मंदगी की बात है, दंगा फसाद करना शर्मंदगी की बात है। मैं उन बच्चों को मुबारकबादी देता हूं। शोपियान के सड़कों से दो पीएचडी स्कॉलर्स जो पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं, वो सड़क पर ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। ये बड़ी अच्छी क्या है, उसको ड्राई फ्रूट तो बेच रहा है, वो तो पकौड़े बनाने की सलाह दे रहे थे भाजपा मोदी सरकार। लगता यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो युवा विरोधी है। वीडियो ना बड़ी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, दो पीएचडी स्कॉलर्स बजाय कि किसी कॉलेज के अंदर, बजाय कि किसी यूके यूनिवर्सिटी के अंदर, बजाय कि किसी बड़े सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे, वो सड़क पर ड्राई फ्रूट बेच रहे, डॉक्टरेट डिग्री करके ड्राई फ्रूट बेच रहे, इसका दोष आप किसको देंगे? देखिए, अब जब पढ़े लिखे बच्चों की आपने बात की ना, ये तो एक वीडियो वायरल हो गई, अब हर जगह देखो आज ऐसे हालात, यहाँ के बच्चे नशे में चले गए। आपने सुना था 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात नहीं थे, आज वो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने खत्म कर दिया। ये हमने केवल सियासतदानों से पूछा और उनका जवाब क्या रहा ये आपके सामने था। अब आपको क्या लग रहा है, क्या जो इन पॉलिटिकल लीडर्स ने जवाब दिया सही है? अगर सही है तो किस हद तक सही है, और जो ये जवाब दे रहे हैं अगर आप इनसे इत्तेफाक नहीं रखते तो आप अपनी राय जरूर कमेंट सेशन में लिख लीजिएगा, क्योंकि दो फोटोज और ये जो दो पीएचडी स्कॉलर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार कंट्रोवर्सी में रहे। हालांकि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पीएचडी करके फिर इंसान बजाय किसी डेवलपमेंटल वर्क के अंदर रहने से ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहे कि जनाब नौकरी मिली क्यों नहीं मिली, उस पर कई सारे सवाल उठते हैं। लेकिन आप आवाम हैं, आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये जो इस वक्त काम कर रहे हैं एज ड्राई फ्रूट सेलर्स का, क्या ये सही है, या अगर चीन को नौकरी नहीं मिल पाई है, क्या लगता है आपको कि किसकी गलती है? जवाब जरूर लिख लीजिएगा।